दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा रेसिपी जो आप नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं या एज अ परफेक्ट मील भी। इसमें है बहुत सारा हेल्थ और थोड़ा सा चीट, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस के लिए सबसे पहले लिया मैंने टोमेटो केचप, मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा ओरिगानो। नहीं है कोई इसमें इंग्रेडिएंट तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर अब एक बोल में लेना है मैंने बॉयल्ड कॉर्न्स, पनीर लिया है मैंने सादा और साथ में शिमला मिर्च। फिर एक पैन में लेंगे बटर, सॉटर करेंगे हम अपने मशरूम और गाजर को सिर्फ एक मिनट के लिए थोड़े से ओरिगानो के साथ, तेज सेक पे ही करेंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए। फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बोल में। इसमें डालेंगे ओरिगानो, सॉल्ट एंड पेपर और बहुत ही टेस्टी हमारी टॉपिंग हो गई है रेडी। आइए तैयारी करते हैं आगे। मैंने लिया है सैंडविच ब्रेड, आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। एक साइड पे हम इसको बहुत ही मीडियम टू लो सेक पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। क्रिस्पी जितना करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक साइड पे जैसे ही हो जाएगा तो हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। पहले लगाएंगे हम अपना सॉस का बेस और फिर हम लगाएंगे इस पे सारे वेजीज। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। फिर हमने पैन में बिल्कुल कम सेक पे इसे रखना है। ऊपर से डालेंगे मनपसंद का चीज़, ओरिगानो और चिली फ्लेक्स और ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जब तक ये नीचे से भी क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल कम सेक पे हम पकाएंगे और फिर इसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम कट करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। होप सो फ्रेंड्स, पसंद किया होगा आज का वीडियो। पसंद किया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बगल में दिए हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।